दर्शकों थे नमस्कार ये बेरम को मचो देवरी ये टीरी मपुर दूर चंबा से करीब 7-8 किलोमीटर को रोड को रास्ता च और पैदल आओ तो मुश्किल से आधा घंटा को बड़ी खड़ी चढ़ाई च और यकम ये भाई साहब बैठे हैं जिन्हें नौ मीटर पता नीचे जरा पूछ दसो यू थे कि आखिर ये गोमा कब बटेरा ना से ना क्या चक्कर ना थी नमस्कार नमस्कार फोकट जी अरे फोकट नहीं मेरा नाम बगोट है अच्छा बगोट जी हाँ नमस्कार बगोट जी है फोकट का नहीं बहुत महंगा हूँ मैं आज यहाँ हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ आशा आप इस घर में रहते हो आशा ये डेरा मेरा है शाबा तो ये डेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया तो ये जो तुम नेपाली हो ना हाँ मुझे तो नेपाली हूँ साहब लेकिन मुझे बहुत साल हो गए साहब इधर में काफी साल हो गया साहब जी काफी मतलब कितना हो गया मेरे को तो हो गया साहब करीबन इस मकान में हाँ इस मकान में तो साहब अभी 4-5 साल हुए साहब वही तो मैं 4-5 साल पहले आया था तो कंडारी जी का मकान था हाँ ये पहले वो दरम्यान से कंडारी का मकान था साहब हाँ मकान नहीं मकान मकान हाँ वो तो उस तरह गया साहब वो दिल्ली बम्बई नौकरी करने तुमने भगा दिया उसको हमने नहीं भगाया साहब वो अपने आप भगाया नहीं भगाया भगाया हाँ वो अपने आप साहब नौकरी करने चला गया और 20 साल तक बंद रहा साहब यहाँ बंद नहीं बंद बंद रहा साहब अभी साल तक बंद रहा साहब तो उसके बाद यहाँ तो भूत ही भूत हो गया अंदर अब जब नहीं नहीं मतलब तुम जब यहाँ पर आए हाँ किसी ने तुम्हें यहाँ पर रखा है या तुम अपने आप घुस गए कम ताला तोड़ के वो तो ताला तोड़ गया साहब ताला तोड़ गया है ये वो साहब तो दिल्ली में नौकरी करता है 20 साल से दरवाजा बंद था तो अंदर जब दरवाजा बंद रहेगा तो अंदर कौन रहेगा भूत रहेगा ना छिपड़ा रहेगा मेढका रहेगा तो वो कहाँ है अब कहाँ है भूत भूत का है साहब तो उसके बाद उन्होंने जब दरवाजा खोला कुछ दिन रहे साहब यहाँ कौन वही कढ़ारी जी अच्छा लेकिन उन भूतों ने परेशान कर दिया साहब उनको अच्छा उसके बाद 16 साल के साहब दिल्ली विल्ली चला गया अब तुम कैसे घुसे मैं तो ताला तोड़ के गया साहब लेकिन उन भूत मेड़ को छपड़ से तो ठीक हूँ साहब ने नहीं नहीं ठीक तो है पर उन भूतों को भगाया कैसे तुमने मैं जागरी का काम भी करता हूँ साहब पंडित का काम भी करता हूँ साहब कभी अरे बाप रे अच्छा तुम बताओ यहाँ पे हाजी काम क्या क्या करते हो काम तो साहब मैं तो भैंस पाल रखा साहब वाला अच्छा ये भैंस है ये मेरे गाय है स्वासनी भी साहब 3 स्वासनी है तीन खेत में जा रखा साहब तुम्हारा नाम दशरथ होना चाहिए ये चंबा के नीचे साहब सोप सब्जी भी खाता है ना स्वासनी में अच्छा हाँ मैं मुर्गी पालन का काम भी कर रहा हूँ साहब अच्छा हाँ ये मुर्गी पाड़ा है सामने मुर्गी पाड़ा अब मुझे यार साहब परसों क्या हुआ कि हमारी मुर्गियों ने हड़ताल कर दी साहब अच्छा हाँ कि हम आज से अंडा नहीं देंगे अच्छा हाँ मुर्गियों ने हड़ताल कर दी साहब मैं रात को गया वहाँ ए मुर्गियों इधर आओ सब इकट्ठा हो जाओ कौन अंडा नहीं देगा साहब वो काम गया डोर के मारे डर के नहीं डर के हाँ डर के मारे काम गया साहब मैंने कहा मुर्गी डर गई साहब मैंने कहा कल से तुमने 15-15, 20-20 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन हरका दूंगा साहब गर्दन नहीं गर्दन जब मैं वो सुबह गया साहब तो किसी ने 8 अंडे किसी ने 10 किसी ने 12 किसी ने 15 एक मुर्गी साहब कोने में बैठी हुई उसने एक ही अंडा दिया साहब हाँ मैंने कहा खुकरी हाउस का गर्दन हरकाता हूँ बोलते नहीं एक अंडा क्यों दिया गर्दन नहीं गर्दन गर्दन तूने एक अंडा क्यों दिया वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई साहब और गोनी महता है मैंने एक भी दे दिया मैं तो मुर्गा हूँ साहब और डोर के मारे तो एक उसने भी दे दिया तो क्या बुनो को मतलब ये हो जाए कि नेपाली जी एक रहना चाहिए ना और बड़ा रौब से रहना चाहिए ना और मुर्गों पर तुम धौंस जमा रहे हो साहब मैं और भी काम करता हूँ साहब क्या अब यहाँ के सारे लोग तो साहब दिल्ली बम्बई चंडीगढ़ चला गया साहब घर तो चंडीगढ़ नहीं चंडीगढ़ गांव तो खाली हो गया साहब बस एक मैं हूँ 2-4 बहादुर उसमें रहते हैं एक बहादुर ऊपर रहता है ये बहादुरों का गांव हो गया साहब कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ पोर्टदान का टिकट भी लूंगा इधर से और साहब तो बाकी काम क्या है गांव में साहब कोई बूढ़ा मोड़ जाता है कई बार किसी घर में रोने वाला नहीं होता है तो साहब मुझे जाता रोने के लिए जाता हूँ साहब दिहाड़ी पे जाता हूँ अच्छा रोने के पैसे लेते हो कई कई लोग तो ऐसे ही साहब उनके घर में तो कोई फूकने वाला भी नहीं है अच्छा तो वो घाट पे मैं ले जाता हूँ साहब किसी क्रिया में भी मैं बैठता हूँ मतलब भाई बहनों बुनो को मतलब ये होता है कुछ टाइम में ना लो की जब अंतर ना चली तो टूटा याद आंदर अंतर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा साहब सब तो तुम्हारा इधर उधर चल गया घर में हम रह गए और क्या करना है अच्छा कुछ संदेश देना चाहते हो किसी को कुछ संदेश तो मैं ये दूंगा साहब सब भाग जाओ यहाँ से हम यहाँ पर डुटियाल प्रदेश में नाचेंगे देंगे साहब इसको और क्या करना है बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों के नाम क्या बताया आपने मैं तो कई नाम साहब मन बहादुर भी बोलते हैं दुर्गा बहादुर भी है और भूत बहादुर भी कभी कभी तो इतना क्यों है एक ही काफी नहीं है
ना वो माँ ने रखा था, हमारी भी तीन माँ थी ना, एक ने भूत बहादुर, एक ने मन बहादुर, एक ने दुर्गा बहादुर। अच्छा तो बाप ने नहीं रखा अलग अलग? ना ना ना, बाप एक ही था। बाप एक ही था। आप चलो शुगर है तो चाय पीलो, नहीं 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 आप चाय पियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ जनक आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये इस गांव को पूरा नेपाल प्रदेश बनाना चाहते हैं और भगवान आपकी तमन्ना कभी पूरी न करे। धन्यवाद, इसलिए बुलाया तुमको यहाँ पर। अच्छा साहब है,